प्यारे बच्चों, रिवर फ्लो बोट मोशन का कांसेप्ट हमने कंप्लीट पिछले वीडियो लेक्चर में रिवाइज किया था। आई होप आप उसको पढ़ भी लिए होंगे। और रिवर फ्लो बोट मोशन में डाउन स्ट्रीम मोशन, अप स्ट्रीम मोशन, नदी को क्रॉस करना, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ये सब बता दिए थे। तो आज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो बोट मोशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे और आपका बढ़िया से रिवर फ्लो बोट मोशन आपका तैयार हो जाएगा और टेस्ट में बढ़िया नंबर आएगा और आगे चल करके जो एग्जाम होंगे उसमें आप बेस्ट करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए का स्टार्ट करते हैं रिवर फ्लो बोट मोशन के क्वेश्चन। सीएल का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, और ये क्वेश्चन जेई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में देखिए पूछा भी गया था, है ना। जेई का क्वेश्चन भी है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और फर्स्ट। पर्सन इज स्विमिंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी बोट का भी नाम ले सकता है या स्विमर का भी नाम ले सकता है। स्विमर का नाम ले, बोट का नाम ले, सब एक ही जैसे साल होता है। तो ये स्विमर का स्पीड यानी बोट का स्पीड यानी बोट वेलोसिटी का स्थान पे हम स्विमर की वेलोसिटी रख लेंगे, बीबी के स्थान पे 10 मीटर पर सेकेंड रख लेंगे एट एन एंगल 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये एंगल ध्यान देना चाहिए कहां से बना है, डायग्राम बनाए समझ आएगा। रीचेस टू ए पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट ऑन द अदर साइड, डायरेक्टली अपोजिट यानी इस किनारे है, जस्ट उस किनारे जाना है, डायरेक्टली अपोजिट यानी सीधे सीधे समझ में आ गया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का केस है। तो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो, है ना, फ्लो यानी रिवर का स्पीड बताना है जिसका वैल्यू एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हम लोगों को नियरेस्ट इंटीजर के टर्म में बताना है, है ना। कुल मिलाकर क्या बताना है, रिवर वेलोसिटी। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, डायग्राम बनाते हैं बढ़िया से, तुरंत सोल्यूशन होगा इसका। ये हो गया बेटा रिवर वेलोसिटी। ये सारा कांसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। जो स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े हैं पिछला वीडियो लेक्चर उसको पढ़ लें, जो उसको पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, बहुत आसानी से आप खुद ही सॉल्व कर दोगे। रिवर का जो फ्लो है हमने दिखाया था डायग्राम में कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवर का फ्लो है और इधर साउथ बैंक है और इधर नॉर्थ बैंक है। ए से बी तक इसको जाना है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है। तो इधर इसका हमने बताया था कि फ्लो का डायग्राम होना चाहिए, फ्लो का हेड होना चाहिए और एंगल आप लोग देखो ना, हम एंगल क्या करते थे, यहां से थीटा दिखाते थे, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो से, इस डायरेक्शन से एंगल दिया है कितने डिग्री, 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 120 में से 90 माइनस कर देंगे जिससे कि ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, और जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था उस बेस पे क्वेश्चन इधर सॉल्व हो जाएगा और ये रिवर वेलोसिटी इधर होगा। ओके बेटा, फिर हमने क्या बताया था, देखो डायरेक्ट वो एंगल कहां से देते हैं उस हिसाब से आपको डायग्राम बना के, और आपको इस थीटा से मतलब है, इस एंगल से, तो ये 30 डिग्री लिख दो, 120 में से 90 माइनस करके, तो ये 90 है, तो आ गया 30 डिग्री। हमने बोला था कि बोट वेलोसिटी का तुरंत कंपोनेंट ले लो, तो आ जाएगा देखो वी बी कॉस 30 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा बोट वेलोसिटी का साइन वाला कंपोनेंट, क्लियर। अब इसको जस्ट अपोजिट बैंक पे जाना है, ए से कहां जाना है, बी पे जाना है। ए से बी जाने के लिए ये दोनों काउंटर बैलेंस हो जाना चाहिए, दोनों काउंटर बैलेंस जब हो जाएंगे तो ये वाला कंपोनेंट इसको ए से बी तक पहुंचा देगा। इसका मतलब यहाँ पे रिवर वेलोसिटी देखो पूछ रहा है, तो रिवर वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा बोट वेलोसिटी इनटू साइन 30। अब बोट वेलोसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में स्विमर की वेलोसिटी दिया है जो 10 मीटर पर सेकेंड है, और साइन 30 का वैल्यू बेटा 1/2 आ जाएगा। इसी हिसाब से देखा जाए तो 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा, रिवर वेलोसिटी, रिवर फ्लो का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। जब इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन रिवर फ्लो बोट मोशन में देखते हैं स्टूडेंट जल्दी तैयार नहीं करता है, है ना, डरता है रिवर फ्लो बोट मोशन से, जबकि कितना आसान है, आप बढ़िया से इसको तैयार करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बेटा देखें इसमें, तो यह है सेकेंड क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। अ स्विमर कैन स्विमिंग विद अ वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर। देखो स्विमर के वेलोसिटी यानी बोट के वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर लेके चलना है। इन स्टिल वाटर, वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर हैज वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर, यानी
बोट वेलोसिटी, स्विमर के वेलोसिटी और रिवर वेलोसिटी ये दोनों दे दिया। द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर, देखो डायरेक्शन यानी एंगल पूछ रहा है, तो एंगल तो कई तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। तो स्पष्ट लिख रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर से एंगल आपको देखना है, है ना। तो डायरेक्शन देखना है, तो रिवर वाटर शुड बी स्विमिंग ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक टू जस्ट अपोजिट, नाम लिख दिया हिज स्टार्टिंग पॉइंट, और आंसर डिग्री में देना है राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। और ये भी देखिए जेई मेन में 2021 में क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पर रिवर ब्लास्टी दे दिया है और बोट ब्लास्टी यानी स्विमर की ब्लास्टी दे दिया है, और एंगल पूछ रहा है किस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा और जस्ट अपोजिट बैंक में जाना चाहता है। तो क्या हमने फॉर्मुला बताया था पिछला वीडियो, अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू रिवर ब्लास्टी अपॉन बोट ब्लास्टी। फर्स्ट साइन थीटा से थीटा वैल्यू निकालते चाहो तो मन में सॉल्व करो, साइन थीटा इज इक्वल टू रिवर ब्लास्टी अपॉन बोट ब्लास्टी, 6/12 यानी 30 डिग्री, तो आंसर आया 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री आंसर यहाँ नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर से पूछ रहा है 90, सम कर दो आंसर 120 डिग्री आ गया, है ना। तो आंसर आएगा कितने डिग्री, 120 डिग्री। बट आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का कंडीशन है बेटा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यह है डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, रिवर वेलोसिटी जो 6 किलोमीटर पर आवर दिया है, है ना। और इधर मान लेते हैं वेस्ट, इधर मान लेते हैं ईस्ट, और इधर है साउथ, नॉर्थ। जस्ट अपोजिट बैंक पे जाने के लिए हमने एंगल बताया था कि इस तरह से एंगल लेके आपको चलना है। ये हो गया बोट वेलोसिटी, स्विमर के वेलोसिटी जो ऑलरेडी 12 किलोमीटर पर आवर दिया है क्वेश्चन में, और ये एंगल थीटा आपको लेके चलना है। बट वो एंगल देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर से, ये जो रिवर वेलोसिटी है यहाँ से पूछ रहा है, ये पूरा एंगल पूछ रहा है, बट आप थीटा निकाल पाओगे, थीटा में फिर 90 क्या कर लोगे, सम कर लोगे, ओके। तो इसके लिए क्या करना है, इधर कंपोनेंट ले लो बोट वेलोसिटी का, ये कंपोनेंट किस में जाएगा, कॉस में, और ये कंपोनेंट किस में जाएगा, साइन में। अब यहां पर भी आप ये देख रहे हो कि जस्ट इसको इस बैंक से उस बैंक पे जाना है, अपोजिट बैंक पे जाना है, तो ये वेलोसिटी बचाए रखो और ये वेलोसिटी को काउंटर बैलेंस करो। तो यहां से देख लो बोट वेलोसिटी का साइन वाला कॉम्पोनेंट वी बी साइन थीटा को बराबर कर दो रिवर वेलोसिटी के, तो यहां से बेटा आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू रिवर वेलोसिटी अपॉन बोट वेलोसिटी। रिवर वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया है 6 दिया है, अपॉन बोट वेलोसिटी यानी स्विमर के वेलोसिटी बेटा 12 दिया है, ये सॉल्व करोगे बेटा 1/2 आ जाएगा, और सबको पता है कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पर, तो थीटा आ गया कितने डिग्री, 30 डिग्री। बट आंसर है नहीं, वह यहां से एंगल पूछता तब 30 होता, वो क्या कह रहा है, फ्रॉम डाउन स्ट्रीम, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो इधर से जब पूछेगा तो ये टोटल एंगल ये पूछ रहा है, तो 90 में से 30 दोनों सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितने डिग्री, 120 डिग्री, ये आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ आएगा आंसर कितने डिग्री बेटा, 120 डिग्री। कभी कभी क्या करता है ना कि फ्रॉम अप स्ट्रीम से डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर का अपोजिट डायरेक्शन से कभी कभी ये एंगल पूछ देता है, तो ये एंगल पूछेगा तो भाई 90 में से 30 माइनस कर दो तब एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये तीन प्रकार का एंगल पूछता है, तो ये थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए और बड़ा आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट आपको रहना होगा कहाँ से एंगल पूछ रहा है, बाद आंसर आप आराम से दे सकते हो। आइए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, बोट क्रॉसेस ए रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। बोट की वेलोसिटी दे दिया है, देख लीजिए बोट वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर, इफ द रिजल्टिंग वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ओके रिवर वेलोसिटी को पूछ रहा है। अब आप ये नहीं समझ पा रहा होगा कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का केस है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का केस है, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी आप देख रहे हो कि ये बोट वेलोसिटी है और रिजल्टेंट वेलोसिटी बोट वेलोसिटी से ज्यादा है, इसका मतलब रिवर फ्लो बोट वेलोसिटी का हेल्प कर रही है, और जब हेल्प कर रही है क्रॉस करने में यानी मिनिमम टाइम में वो नदी को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है,
और मिनिमम टाइम नदी को क्रॉस करने का जो हमने बताया था फार्मूला है ना, वहां टाइम टेकन हमने बताया था, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन कौन सी वेलोसिटी, बोट वेलोसिटी है ना। जस्ट इसके पहले वाले जो वीडियो लेक्चर है उसको आप देखिए, सब समझ में आ जाएगा। और ऐसे में वहां पर हमने फार्मूला लिखाया था कि नेट वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू रूट ओवर बोट वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रिवर वेलोसिटी का स्क्वायर, ओके, मिनिमम टाइम नदी को क्रॉस करने का। तो टोटल ब्लास्टिंग यहां देखो बेटा 10 दे दिया है, जो रिवर बोट ब्लास्टिंग से ज्यादा है ना, और बोट ब्लास्टिंग का वैल्यू दे दिया है 8, तो यहां हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस रिवर ब्लास्टिंग का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। यहां से रिवर ब्लास्टिंग हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बेटा 100, रूट हट गया और यहां से आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस रिवर ब्लास्टी का स्क्वायर। तो रिवर ब्लास्टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 8 का स्क्वायर बेटा आ गया 64, इज इक्वल टू आ गया 36। तो यहां से रूट ले लो तो रिवर ब्लास्टी इज इक्वल टू रूट ओवर 36 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, 6 किलोमीटर पर आवर यह है रिवर की ब्लास्टी। तो कैसे पता चला कि ये मिनिमम टाइम वाला केस है? तो आप देख रहे हो कि बोट की ब्लास्टी रिवर ब्लास्टी से क्या है, ज्यादा है, और नदी को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो ऐसे में मिनिमम टाइम वाला केस है। आप पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, सेकंड के थर्ड केस का बी पार्ट जो हमने बताया था कि मिनिमम टाइम नदी को क्रॉस करने के लिए रिजल्टेंट ब्लास्टी टोटल ब्लास्टी से ज्यादा आता है, रूट ओवर बोट ब्लास्टी का स्क्वायर प्लस रिवर ब्लास्टी का स्क्वायर। इसमें आंसर क्या है बेटा, देखो 6 किलोमीटर पर आवर बोट ब्लास्टी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और देखते हैं, अ रिवर इज फ्लोइंग है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। रिवर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट एंड मैन ऑन साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर वांट टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। फर्स्ट नाम ले लिया, शॉर्टेस्ट टाइम नदी को क्रॉस करना है तो किस डायरेक्शन में उसको स्विमिंग करना पड़ेगा। स्पष्ट ये केस हमने बताया था कि शॉर्टेस्ट टाइम में नदी को क्रॉस करने के लिए जस्ट फ्लो ऑफ वाटर के नॉर्मली आपको चलना होगा, और डायग्राम बना के बताते हैं। ये रिवर फ्लो है इस डायरेक्शन में, जो कि बेटा रिवर वेलोसिटी, और इधर वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, इधर बेटा साउथ, और इधर है नॉर्थ। तो मिनिमम, देखो मिनिमम पाथ में, शॉर्टेस्ट पाथ में, स्विमिंग करने के लिए ये एंगल होना चाहिए, बट मिनिमम टाइम में स्विमिंग करने के लिए थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू 0 तब होगा जब थीटा कम करते करते इस डायरेक्शन में स्विमिंग करो। स्विमिंग किधर होना चाहिए, बोट के वेलोसिटी किधर होना चाहिए बेटा, ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जब होगा तो पहुंचेगा यहाँ पर है ना, यहाँ नहीं पहुंचेगा। इसमें देखो हमने दिखाया था कि इतने की इसमें ड्रिफ्टिंग क्रिएट हो जाएगी, इधर नेट वेलोसिटी बन जाएगा। इसका मतलब मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए बोट का या स्विमर का, देखो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, वो इधर पहुंचेगा। क्लियर, तो ड्यू नॉर्थ, इसमें तो आंसर दिख रहा है ड्यू ना, फर्स्ट ऑप्शन सही है, कुछ भी साल नहीं करना है, सीधा सीधा डायग्राम बनाइए तो आंसर इसका दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है बेटा, यह है क्वेश्चन नंबर 5। अ पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना चाह रहा है, ऑन द बैंक ऑफ द स्ट्रीम इन स्विमिंग विद स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड है ना, स्विमर की वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड है, एट एंगल 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द वाटर यानी रिवर वेलोसिटी क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या आपको आइडिया लगा बताइए बेटा, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, वही क्वेश्चन में भी है, वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट और एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, यानी सीधे साउथ से किधर जाना चाहता है नॉर्थ, इसके लिए किधर स्विमिंग करना होगा
देखो ये एंगल है स्विमिंग करने का, स्विमर के वेलोसिटी या बोट के वेलोसिटी एंगल, ये टोटल 120 डिग्री दिया है ना, तो 120 में 90 माइनस कर दो, ये एंगल आ गया कितनी डिग्री, 30 डिग्री। तो बोट वेलोसिटी का कंपोनेंट बन गया वीबी, वीबी कॉस 30, कॉस 30, ओके आ गया कॉस 30, और इधर आ जाएगा VB साइन 30, और इधर आ जाएगा रिवर वेलोसिटी, है ना, ये सब रिवर वेलोसिटी है। तो कितना आसान, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, जस्ट साउथ से नॉर्थ जाना चाहता है, इसके लिए ये वेलोसिटी बचाए रखो, ये दोनों को कैंसिल कर दो, इसका मतलब VB साइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा रिवर वेलोसिटी। तो यहाँ से आगे बेटा रिवर वेलोसिटी इज इक्वल टू बोट वेलोसिटी इनटू साइन 30, और बोट वेलोसिटी यानी स्विमर की वेलोसिटी 0.5 दिया है, साइन 30 का वैल्यू बेटा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ जाएगा 0.5/2 यानी 0.25 मीटर पर सेकेंड, ये रिवर की वेलोसिटी होगी 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो आंसर मिल गया 0.25 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, तो इस तरह से देखा जाए तो आज हमने इसके पहले वाले जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट रिवर फ्लो बोट मोशन के सारे केसेस बताए थे, आज क्वेश्चन करा दिए, आप सही से स्थिर होकर इस वीडियो को आप देख लो ना, तो पूरा रिवर फ्लो बोट मोशन आपका तैयार हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अब जो अगला वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें आप देखिएगा वेक्टर टॉपिक का ही रिलेटिव इलास्टिक पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, और रिलेटिव इलास्टिक बताने के बाद से कंप्लीट आप लोगों को रिलेटिव इलास्टिक बताने के बाद से टोटल कंप्लीट उस पर क्वेश्चन भी करा देंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, जिससे आप बढ़िया से टेस्ट दीजिए और बढ़िया मार्क्स लाइए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जाइए, मजा आ जाएगा बेटा पढ़ने में। थैंक यू बेटा, बाय बाय।